सलमान खान ने उठाया ईशा की बदतमीजियों पर सवाल। ईशा के पापा से पूछे ये कड़वे सवाल। वह सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के आखिरी वीकेंड के वार एपिसोड में हमें देखने को मिला। ईशा मालविया के पापा से सलमान खान बातचीत करते हुए नजर आते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ईशा अभी 20 साल की है और वो अपना स्टैंड बहुत ही स्ट्रांगली लेती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो अपना स्टैंड लेते लेते छोटे और बड़े का फर्क भी भूल जाती है। जी हाँ, सलमान यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ईशा जिस तरीके से बड़ों से बदतमीजी करती है और अगर लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें बदतमीजी पे और उतरती है और छोटे बड़े का लिहाज तक भूल जाती है, इस बात पर उनके पापा का क्या रिएक्शन है। वह ईशा के डैड कहते हुए नजर आते हैं कि ईशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन्हें ये बात पता है। ईशा ने कभी भी शो के अंदर सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की है और वो अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखती है, लेकिन जब मैं फैमिली वीक में अंदर गया था तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि वो कई बार गलत चीजें बोल जाती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पर सलमान यहाँ पर ये भी सवाल करते हैं कि ईशा के पापा ने उन्हें ये समझाया था कि समर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा अभिषेक को पोक कर रहे थे और ये चीजें गलत थी। ईशा की डाइट भी इन सारी चीजों को गलत बताते और कहते हुए नजर आते हैं कि जहाँ मेरी बेटी सही है वहाँ मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन जहाँ वो गलत है और अगर उसे कोई और मैनिपुलेट कर रहा है तो वहाँ पर मैं उसे समझाऊंगा भी कि वो गलत है, क्योंकि समर्थ ने किसी को इतना ज्यादा लेवल पर जाकर पोक किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। पर सलमान यहाँ पर ईशा और समर्थ के रिलेशनशिप को लेकर भी सवाल करते हुए नजर आते हैं, जिस पर ईशा की डाइट कहते हैं कि इस बारे में ईशा के डैड मॉम और उनके डैड मॉम बैठकर बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। वेल, आपका सलमान खान के ईशा के डैड से पूछे इन सवालों पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।